हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने बड़े सपने देखने की शुरुआत व आवश्यकता के बारे में जाना है। आइए अब इस अध्याय में जानते हैं कि हमें कितने बड़े सपने देखने चाहिए। सपनों की व्यवहारिकता के बारे में मार्गरेट ई वोल्डजर के अनुसार अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण हम अनजाने में ही अपने प्रयासों को कमजोर बना लेते हैं। इसलिए सपने हमारी आंतरिक भावनाओं को जितना ज्यादा वास्तविक व बेहतर व्यक्त करेंगे, वे उतने ही यथार्थवादी होंगे। हमारा सपना हमारे फिंगरप्रिंट की तरह ही अनूठा होता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से बढ़ाना चाहिए। हमारे सपनों को सटीक नाप देने का एक तरीका अपने विचारों और सपनों को इन चार फिल्टरों से गुजारना है, जो है माहौल, धनराशि, लोगों की संख्या व भौगोलिक सीमाएं। पहला फिल्टर है माहौल। इस पुस्तक के लेखक के अनुसार लोगों को अलग अलग आकार का माहौल पसंद होता है। किसी को गांव का शांत माहौल पसंद है तो किसी को शहर का कोलाहल भरा माहौल। कुछ छोटे कामों से खुश हैं, वह कुछ बड़े कामों के लिए तड़प रहे होते हैं। अतः आपको यह तय करना है कि आपको कैसा माहौल पसंद है जिसमें आप आरामदेह महसूस करते हो। इस प्रश्न का सही सही उत्तर लिख लें कि आपके आदर्श माहौल का आकार क्या है। दूसरा फिल्टर है धनराशि। सपना देखने के मामले में हर इंसान एक निश्चित धनराशि में आरामदेह महसूस करता है। आपके सपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको उस धनराशि की एक निश्चित संख्या को पहचानना है जो आपकी रुचियों, सपनों और जीवन में उद्देश्य के एहसास के अनुरूप हो। अब आप यह बताएं कि आपकी आदर्श धनराशि क्या है, आपके सपनों की लागत क्या है, आप अपने सपनों से हर साल कितना धन उत्पन्न करना चाहते हैं। वह धनराशि लिख लें जिसके साथ आप अभी सबसे आरामदेह महसूस करते हैं। तीसरा फिल्टर है लोगों की संख्या। सपने की परिभाषा है कि कोई ऐसी चीज जो आपकी वर्तमान स्थिति से काफी दूर हो, उसे पाने की समझ ही सपना होता है। उसके लिए आपको अपनी सीमाओं का विस्तार करना होता है और साथ ही साथ विकास व त्याग भी करना पड़ता है। अपने सपने के लिए आपको कितने लोगों से संबंध बनाने, सेवा करने, बेचने या फिर मदद करने में आरामदेह महसूस होता है। आप भविष्य में अपने सपने से कितने लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी संख्या लिख लें। इसमें 100, 50, 1000 लोग हो सकते हैं या फिर पूरा समाज, देश या फिर सारी दुनिया के लोग भी हो सकते हैं। चौथा फिल्टर है भूगोल। आपके सपने की भौगोलिक सीमाएं क्या है? यह प्रश्न बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मूल बात यह है कि क्या आप आमतौर पर अपने गांव, कस्बे या शहर के संदर्भ में सोचते हैं या फिर आप अपने देश या पूरे विश्व के संदर्भ में सोचते हैं? आपके परिप्रेक्ष्य का आपके सपने के मानसिक भूगोल से काफी संबंध है। अतः लिख लें कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आपके जागृत घंटों में आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है। आप भावनात्मक रूप से किस आकार के इलाके में सबसे ज्यादा आरामदेह महसूस करेंगे। सावधानी, गलत नाप के सपने आपको ऊर्जा नहीं देंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की अति पर न जाएं। ज्यादा बड़ी चीज हमेशा सही नहीं होती है। माहौल, धनराशि, लोगों व भूगोल के उस तालमेल को खोजें जो सचमुच आपके नाप का हो, जो आपके व्यक्तित्व, रुचियों, आशाओं, इच्छाओं व आपके सपनों के लिए एकदम फिट बैठता हो। स्वपनदर्शी के लिए शुरुआत में सारे सपने बड़े होते हैं। जब आपके अनुभव का विस्तार होगा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेखक आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस समय जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचें, बाद में आप अपने सपनों को इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दिल से पूछें। पहला, इनका आकार लिखें। नंबर 1, माहौल। नंबर 2, धनराशि। नंबर 3, लोग। नंबर 4, भूगोल। दूसरा, मैं अपने वर्तमान सपनों से तनावपूर्ण या ऊर्जावान महसूस करता हूँ। तीसरा, मुझे उनमें क्या परिवर्तन करना चाहिए ताकि उनको पूरा करने की प्रेरणा मिले। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी 200 पेज की बुक में लिख लीजिए, जिनकी हम आगे समीक्षा करेंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।